हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से रिलेटेड और जानेंगे कहाँ पे इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये नोटिफिकेशन आया, ये आया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। ठीक है, तो ये इंदौर से में जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये एक वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है इंदौर की। तो यहाँ से इन्होंने जो है एप्लीकेशन को इनवाइट किया है फॉर द रेगुलर पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन एक चीज आपको देखने वाली कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मैंशन कर रखा है एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस बैकलॉग फैकल्टी पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैकलॉग फैकल्टी पोजिशन है, लेकिन ये जो पोजिशन है सारी जो है वो रेगुलर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन स्केल अप पे जो रहेगा वो आपका रहेगा यूजीसी रेगुलेशन 8/2018 के अकॉर्डिंग जो भी है आपका क्वालिफिकेशन है, और जो भी आपका यहाँ पे जो भी लाइक स्केल ऑफ पे है वो आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर आप यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फी मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जो भी नेसेसरी इंक्लोजर्स हैं वो भी आपको जो यहाँ पे अटैच करना है, जैसे आपका जो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट है, जीआरएफ का सर्टिफिकेट, या हम बोल सकते हैं आपके जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फी हो 500 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो अगर आप जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़, वहीं अगर एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 250 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फी मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन आप इन्होंने मेंशन कर रखा कि अगर आप एमपी डोमिसाइल के एससी एसटी हैं तब आपको 250 रुपीज़, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वहाँ पे करने पड़ेंगे, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी कैटेगरी हो। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं अदर देन एमपी, तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखा है वो 20 अगस्त 2021 मेंशन कर रखा है। तो आपको अपने जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स, इट शुड रीच टू द यूनिवर्सिटी बिफोर 20 अगस्त 2021 बाई 5 PM। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एप्लीकेशन मतलब जो भी आप फिलअप करेंगे उसका हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो है लास्ट डेट मेंशन कर रखी है 20 अगस्त 2021 बाई 5 PM जो है आपको अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी सेंड करना मस्ट है। तो देखिए आप ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपका हो गया, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, तो सबके लिए इस टाइप की जो पोजीशंस यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो एससी एसटी ओबीसी आप जिस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, चाहे वो लेक्चरर की हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो आपका रहेगा 1, यहाँ पे वैकेंसी 1 है, और ये वैकेंसी जो एससी में है। तो अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको जरूर भरिए, वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करेंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर रखा, तो यहाँ पे आपका जो है प्रोटियोमिक्स होना चाहिए एंड जीनोमिक्स। इसके अलावा बायोसोर्स टेक्नोलॉजी में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में, या आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर इसमें आपका जो है स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इन्होंने ये देखिए यहाँ पे डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन मांगा है, मतलब कि अगर आपके पास ये स्पेशलाइजेशन है तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको और भी स्कूल देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस हो, चाहे आपका स्कूल ऑफ कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज हो, चाहे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऑलमोस्ट सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है, तो आप जिस भी लाइक डिसिप्लिन में आपने अपना मास्टर या पीएचडी डिग्री किया है तो आप उसके थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मोस्टली जो है सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के लिए वैकेंसीज है, तो आपका यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होना चाहिए, या आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या फोटो बायोलॉजी आपका होना चाहिए, या इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अगर आपका इसमें इस स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए। इसके लिए स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग और भी सब्जेक्ट जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लाइक एलिजिबल हुए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन के लिए मेंशन कर रखा है, पोजीशन ऑफ डिजायरेबल स्पेशलाइज इज नॉट अ प्री रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन एप्लीकेशन अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट एंड सच एप्लीकेंट क्लेमिंग प्रोफेशनल डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन शैल नॉट हैव एडिशनल वेटेज इन द स्क्रीनिंग। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल स्पेशलाइजेशन मतलब कि नॉर्मल आपने सब्जेक्ट से जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ फिजिक्स में, तो अगर आपने यहाँ पे MSc जो है वो फिजिक्स से भी की है तब भी आप जो उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस जो दिया डिजायरेबल लाइक स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखा है कि अगर आपने लेजर फिजिक्स आपका स्पेशलाइजेशन जैसे क्या होता है अगर आपका 2 ईयर का फिजिक्स का आपका अगर मास्टर होता है तो आपको लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन करने को मिलता है। तो अगर आपका नॉर्मली MSc फिजिक्स है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स है या मटेरियल साइंस है या मटेरियल साइंस है प्लाज्मा फिजिक्स है या आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स है तो आपको यहाँ पे जो है लाइक स्पेशलाइजेशन है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आई थिंक प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कोई एडिशनल प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपके अगर MSc नॉर्मल है यानी कि MSc सिर्फ फिजिक्स है और आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं किया या आपका स्पेशलाइजेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स में या लेजर फिजिक्स में तब भी आपको यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हम देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। तो जैसे आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है तो यहाँ पे अगर आप जो है OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप MP डोमिसाइल आपका है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर स्टेट का है चाहे आप अदर स्टेट के आप SC ST OBC हो तो आपको यहाँ पे जो है 500 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखा है नेम नेम ऑफ द बैंक IFSC कोड, तो आपको इसमें जो है अपना लाइक जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी पेमेंट है वो आपको इस ये डिटेल दे रखी है अकाउंट नंबर नेम ऑफ द बैंक IFSC कोड, तो यहाँ पे आपको अपना जो फी वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना रिसिप्ट निकालना है और रिसिप्ट जो कि आपका प्रूफ रहेगा उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर लाइक टेस्टिमोनियल सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये इसका प्रिंट आप जरूर निकालें तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए और स्क्रॉल डाउन करने पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप MP लाइक MP से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अगर किसी कैटेगरी में लाइक अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो SC ST चाहे OBC कैटेगरी में हो तो आपका जो है एप्लीकेशन होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब आपका 20 अगस्त 2020 को या उसके बाद का आपका एप्लीकेशन आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। इससे पहले का अगर होगा तो आपका यहाँ पे जो लाइक कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो या तो आपका 20 अगस्त 2020 का होना चाहिए या 20 अगस्त 2020 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास लाइक वैलिड लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2021 है। तो आप जो है इससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर रिसिप्ट लाइक फी पेमेंट प्रूफ और आपके जितने भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारा आपको सेंड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा एड्रेस दे रखा कि आपको सेंड क्या करना है। तो यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी IIT मार्ग इंदौर 452001 यहाँ पे जो है आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म प्रूफ ऑफ द फी पेमेंट ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है। ये एड्रेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टाइज टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए UGC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे लाइक आपका रिक्रूटमेंट होगा वो UGC के रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा यहाँ पे नेट जो है वो मिनिमम बेसिक लाइक क्राइटेरिया है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपका नेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आप क्लियरली देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पे दे रखी हैं जैसे कि अगर आपने जो अपना PhD है वो 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट या स्लेट या सेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपका PhD जो है आपने अगर PhD कर रखा है और बिफोर 2009 अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट की जरूरत नहीं है, तो नो नेट।
ओके, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी भी 2009 से पहले अगर आपने किया है। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आई थिंक ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मेंशन कर रखी है कि एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसर के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो प्रोफेसर के लिए अगर आप जो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी केमिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पीएचडी डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप जरूर मेंशन कर देखें, पीएचडी डिग्री, 10 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका जो है रिसर्च स्कोर 120 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही, बस यहाँ पे आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर्स यहाँ पे लेस कर दिया गया एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। वहीं अगर बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और आपका यहाँ पे नेट जो है वो कन्फर्म लाइक क्लियर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी में एनरोलमेंट किया है तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा नेट सेट से, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे जितने भी स्कूल है सबका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप स्क्रॉल डाउन करके इसे अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर आप डिटेल में आप इस चीज को डिटेल में पढ़े ताकि आपको यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट है वो स्किप ना हो आपसे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट कंसर्न एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे, बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे मास्टर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, यानी कि रिलाइड एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट जो माइक्रोबायोलॉजी। वहीं अगर बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपने एमएससी इसमें किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, लाइफ साइंसेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी लाइफ साइंस का डिग्री हो, मास्टर आपका चाहे जूलॉजी में हो, चाहे आपका एनिमल साइंस में हो, चाहे बायो साइंस में हो, चाहे बॉटनी में हो, किसी में भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट है, ये जो 12 नंबर का पॉइंट है, ये आप अच्छे से पढ़ें, अगर आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तभी आप उसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा एपीआई इंडेक्स के बेस में यहाँ पे जो भी आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो एपीआई इंडेक्स के बेस होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा वो आपका रहेगा अपेंडिक्स 2 के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा एपीआई इंडेक्स प्रिपेयर होगा आपका, यानी कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो कितने हैं, पब्लिकेशंस आपके लाइक कितने हैं, और उसके अलावा आपके कितनी बुक्स में ऑथर्ड हैं या वो पब्लिश किया है, कितनी बुक्स इंटरनेशनल पब्लिश हैं, कितनी इंटरनेशनल पब्लिश हैं, कितने चैप्टर्स को आपने जो है एडिट किया है बुक में, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका रहेगा एपीआई इंडेक्स के बेस पे। ये केवल एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने पॉइंट्स भी मेंशन कर रखा है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ, और आपका फी पेमेंट प्रूफ जो भी है, आपने फी पेमेंट किया है उसका प्रूफ, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो देवी एल यूनिवर्सिटी में आपको सेंड कर देना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके डिस्कस किए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।